સુપ્રભાત, કેમ છો? મજામાં? યસ, તુમ લોકો કે લગા થા? અપન નહીં આયેગા ક્યા? 10 દિન વિડિયો નહીં છોડા તો કે ભૂલ ગયા અપને કો? ના, અપન તો આને કા થા એક દિન वापस आ गए 10 दिन के बाद, कमबैक हो रहा है, देख रहे हो गाइस? मतलब ऐसा थोड़ा काम चल रहा था इसीलिए नहीं आ पाया। तो आज मैं बताएगा कि BMW का जो अपन गाड़ी लिया है उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, एकदम रियलिटी, पूरा रियलिटी की मेरे को क्या क्या अच्छा लगा, क्या गंदा लगा। ओके गाइस, तो ये अपने गाड़ी तो लिया था, इधर गाड़ी दिखने में लुक वाइज एकदम लोग देखता है कि हाँ गाड़ी जा तो रहा है। अगर गार्ड वार्ड लगा देंगे तो और ब्रॉड हो जाएगा, तो मैं गार्ड जल्दी लगाऊंगा। इधर पूरा ये वाला जो पार्ट में आता है गार्ड, ये वाला बेली का गार्ड और ये वाला जो फ्रंट गार्ड, लेग गार्ड, सब का सब गार्ड आएगा, उसको लगाने के बाद लाइफ झिंगा लाला। तो अभी अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है और डिस्प्ले में क्या क्या आता है। पहले बता देते हैं, डिस्प्ले चालू किया, किलोमीटर, गियर 1, गियर 2, ऐसे शिफ्ट करते करते इधर अपना स्पीडोमीटर, फिर ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, उसके बाद इंजन कितना डिग्री गर्म हुआ है, 45 डिग्री गर्म होके है, टाइम दिखाता है इधर, रेंज 127 किलोमीटर और जा सकता है, फिर स्पीड अपना एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा, डेट बस उतना ही है इसमें। और इस तरफ जो है वो लाइट का इंडिकेटर, हॉर्न, पास बीम और इग्निशन सेल, गुड। तो गाड़ी ऐसे दूर से देखने में तो एकदम गजब है। इसका सीसी 319 सीसी, पावर भी अच्छा है, खासा जनरेट करता है। अपने को माइलेज आ रहा है अभी मैं बैठ के बात करता है, तो अपने को अभी माइलेज आ रहा है हाईवे पे 35 के ऊपर ही आ रहा है और अंदर में 28 से 30 के बीच में वैरी कर रहा है। तो एवरेज के लिए तो थम्स अप, क्योंकि ये एवरेज बहुत सही दे रहा है। सस्पेंशन के बारे में अगर हम लोग इसका सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन इसका ये वाला कैटेगरी में टॉप मोस्ट है, उसका तो कोई जवाब नहीं, मतलब बहुत सही है, मज़ा आ जाता है। और इसका कमियों के बारे में बात करें तो जब ऐसा गाड़ी चलाते हैं ना तो आपको कीचड़ में जब गाड़ी जाता है तो वहाँ पे वो देते नहीं है, क्या बोलते हैं, मडगार्ड नहीं देने से यहाँ तक उड़ता है, पूरा यहाँ तक ऊपर तक पूरा का पूरा ऐसे घुमा के उड़ता है, तो ये सब गंदा होता है बहुत ज़्यादा। तो इन लोग को मडगार्ड देना चाहिए मेरे हिसाब से, और ना ही इसका आफ्टर मार्केट में ही मिलता है। 25 दोनों तरफ डिस्क ब्रेक, उस तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक ही दिया हुआ है पूरे का पूरा, बहुत सही। तो बीम के बारे में हम लोग, लाइट के बारे में बात करें, लाइट बहुत सही है इसका, लाइट और लुक के आगे से बहुत सही है। लाइट मतलब लाइट के लिए कोई कमी नहीं, LED लाइट जो BS4 का था वो अच्छा नहीं था, BS6 का LED एकदम मस्त। तो उसका इसका पेट्रोल टंकी अपना आता है 11 लीटर, 11.5 लीटर, और इसका इंजन का कैपेसिटी 313 सीसी, और मैं जब लिया था तब ऑन रोड प्राइस आया था 357 के आसपास, तब एक शोरूम था 311,000 ये वाला कलर का, वाइट कलर का था 305,000, अभी प्राइस बढ़ गया है, अभी ऑलमोस्ट बोल रहे थे जब लास्ट टाइम गए थे तो 20,000 के आसपास बढ़ा है, तो अभी शायद एक शोरूम 321 या 322 के आसपास, ऑन रोड आते आते 370 के आसपास हो जाता होगा मेरे को जितना लगता है। थोड़े दिन, मैं अभी जस्ट लिया उसके थोड़े दिन बाद ही बढ़ गया था, तो अपन अच्छे जगह पे ले गए, 20,000 बचा लिया गाइस, है कि ना? तो इसमें अपन राइडिंग में पूरा कंफर्ट है, मज़ा आ जाएगा। ये वाला हैंडल बार भी बहुत ज़्यादा वाइड है, तो लंबे टूरिंग के लिए गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा आता है 100 के ऊपर जाने से, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइब्रेशन तो है, पर जितना टेस्ट राइड पे नहीं था, क्योंकि टेस्ट राइड वाला तो स्मूथ करके, बहुत ज़्यादा स्मूथ करके रखते हैं, ये वाला कोई बात बताएगा नहीं, पर जो टेस्ट राइड वाला जो व्हीकल होता है उसको स्मूथ करके रखते हैं ज़्यादा, ताकि आपको मज़ा आ जाए। तो उसके बाद जब डिलीवरी एक्चुअल में होता है ना, तब थोड़ा सा ओरिजिनल जो गाड़ी होता है उसमें वाइब्रेशन रहता ही है। पहला सर्विसिंग अपन का हो चुका है 1,000 किलोमीटर, या फिर वो बोलते हैं कि 1 महीना में, दूसरा सर्विसिंग होता है 1 साल में, या फिर 10,000 में,
10,000 किलोमीटर रनिंग पे, अपने तो 2,700 कुछ हो गया है। पहले सर्विसिंग में टोटल 5,800 के आसपास खर्चा आया था, 5,800 में। और एक दिक्कत मेरे को ये है कि अगर एडवेंचर गाड़ी ले रहे हैं हैजर्ड लाइट दे देता है, इसमें हम लोगों में हैजर्ड लाइट नहीं दिया है। वो इससे नीचे है फिर भी इसमें हैजर्ड लाइट, इसमें जरूरी है हैजर्ड लाइट, मतलब ये एडवेंचर गाड़ी में। अब देखेंगे इसका जो बड़ा वाला भाई, सब 1200 1000 सब में हैजर्ड लाइट का फीचर है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो वो भी एक छोटा सा तो स्विच देना था, और क्या, उसका भी एक BMW दुख लगा मेरे को। ब्रेकिंग भी सही है, दोनों डुअल ABS है, एकदम सही। और ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये वाला पूरा का पूरा फाइबर ही है। तो साइड लुक दिखाता है, इसका साइलेंसर भी काफ़ी ऊपर है, पानी जाने का चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है पानी जाने का चांस। तो उसमें भी आपको थम्स अप, तो प्रैक्टिकली आप गाड़ी ले सकते हैं, जो अभी का रेट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, पर अच्छा खासा आपको अगर वैल्यू फॉर मनी है। थोड़ा थोड़ा है कि जो ये मड गार्ड नहीं दिया हुआ है, वो दिक्कत वाला बात है। और भी सर्विसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है, सेकेंड सर्विसिंग में 10 से ऊपर ही चला जाएगा, थर्ड सर्विसिंग में 15 के आसपास, मैं जब पूछा था तब उन्होंने बोला हुआ था। वो सारा चीज़ है, इसमें मॉडिफिकेशन भी भर भर के होगा। 360,000 का गाड़ी है ना, तो आराम से 1-1.5 लाख तो आप मॉडिफिकेशन करा ही लोगे, क्योंकि गार्ड आते हैं 16-17 हज़ार के आसपास। अगर BMW का लेंगे तो 50,000 के आसपास, तो मत लेना BMW का, वर्थ नहीं है। जो सेम बाहर में आप नॉन ब्रांड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर भी इसका बढ़िया दिया हुआ है, रुको चालू करके देखो। इंडिकेटर का जो स्टाइल है ना, माय गॉड, बहुत सही है। तो नीचे चल के देख जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ लाइट कैसा है। गाड़ी तो नीचे लेके आ गए थे, पर एक जगह जाने को बोला मम्मी ने, सब लोग आज गुजराती मिल रहे, तो मैं तो वो तो निकल गए, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि अपने को गाड़ी का वीडियो भी कंटिन्यू करना है नीचे वाले का, फिर मैं निकल जाऊँगा। तो अपन हेलमेट सब लेके आ गए, अभी दिखाता हूँ आपको लाइट कैसा है गाइस। लाइट ये है पूरा का पूरा नॉर्मल, ये देखो लाइट भी बढ़िया है। RPM कुछ 9,000 के आसपास पहुंच ही जाता है, तो ताकत भी तो एकदम बढ़िया है। और बस वही था, तो टैंक थोड़ा सा छोटा लगता है मेरे को, 11.5 लीटर। ये वाला जो 3.5 लाख के आसपास में, आपको आराम से 13 लीटर के आसपास तो टैंक मिल जाएगा, वो थोड़ा है। और सब गाड़ी पे लुक वाइज एकदम सही किया हुआ है, तो इसीलिए अपन ने ले डाला। अपना बर्थ डेट का ही नंबर लिया है, देख रहे हो। कुछ कुछ चीज़ है तो अपन को अच्छा लगता है, बस वही है। अपने को BMW लेने का तो था, मैं आपको पुराना फोटो भी डाल दूंगा। मैं इस यही गाड़ी पे BS4 में बैठा था, तो पुराना फोटो डाल दूंगा इसी में, इधर आजू बाजू में कहीं इंट्रो डाल देगा। तो चलो मैं निकलते हैं, लोग याद भी नहीं करता ना मेरे को, बहुत दुख लगा ये सुन के। 10 दिन हो गया पर मैं भूलने नहीं देगा, साथ में आगे बढ़ेंगे। चलो मैं निकलता है, बहुत लेट हो रहा है।